फॉली नंबर 9 है आपकी नो हिट स्टेटस आफ्टर अ सक्सेसफुल डेब्यू। भैया लोगों को लगा था जाने तू के बाद आप कुछ बड़ी हिट्स दोगे और बॉलीवुड के यंग टॉप चंद बन जाओगे, मगर ये हो न सका। उसके बाद तो जिस तरह की मूवीज आपने की है उनको देख के सोहेल और अरबाज जैसे फ्लॉप स्टार ब्रदर्स भी डर जाएंगे कि आखिर आपने ऐसी मूवी साइन ही क्यों की। आपकी सेकंड मूवी किडनैप में आप नजर आए मिनीषा लांबा के साथ। सुना है इस मूवी में मिनीषा की माइक्रो मिनीज होते हुए भी मूवी थिएटर्स में उतनी देर भी नहीं टिक पाई जितनी देर मिनीषा लांबा को एयरपोर्ट में डिटेन किया गया था। और मूवी इतनी बोरिंग थी कि थिएटर्स में किड तो नैप ले ही रहे थे, साथ में किड्स के पेरेंट्स तक नैप लेते पाए गए थे। फिर जो लक आजमाने की आपने कोशिश की दैट ऑल्सो बॉम्ब्ड बिग टाइम, पर लक का बैड लक बॉक्स ऑफिस पर नजर आ ही गया। और अपनी नेक्स्ट फिल्म में आप नजर आए आई हेट लव स्टोरीज बोलते हुए, मगर भाई जिस चीज को हीरो खुद ही हेट करेगा उसको जनता कितना लव करेगी ये नहीं सोचा। ले दे के आई हेट लव स्टोरीज घिसट घिसट के बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कलेक्शन कर पाई। अब इसमें आपका कितना हाथ है और सोनम के कितने पैर थे ये तो आपको ही पता होगा। मगर अपनी नेक्स्ट मूवी ब्रेक के बाद में आप भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और बेचारी ब्रेकअप की मारी दीपिका की पीठ पर सवार होकर किसी तरह मूवी को फ्लॉप से एवरेज कलेक्शन तक ले ही आए। अरे मुंह भाई आप बड़े हो गए हो, आप कोई औरो नहीं हो जो एक हिट के लिए लोगों की बैग की सवारी करते फिरो और फिर भी एक भी हिट मूवी ना डिलीवर करो। हाँ टू बैड मुंह, कहीं इसलिए तो आपके मामू ने वो सॉन्ग नहीं लिखवाया कि साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग। जरा सोच लो, क्योंकि बॉलीवुड में तो आपकी फ्लॉप्स की ये लिस्ट बन चुकी है आपकी फॉली नंबर 9।